तो भाई लोग कैसे हो। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग PUBG मोबाइल के सीजन 18 के थर्ड एनिवर्सरी के ह्यूज अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं एंड उसके अंदर काफी सारे कमाल के ब्रांड न्यू फीचर्स भी ऐड कर दिए गए हैं। तो शुरुआत करते हैं इस अपडेट के रिलीज डेट से। तो गाइस ये अपडेट आप लोग को 9 मार्च को यानी कि आने वाले मंगलवार को देखने मिल जाएगा। तो एक ब्रांड न्यू बोल्ट एक्शन स्नाइपर राइफल जिसका नाम है मोसिन नगांट, जो यूज करेगी 7.62 mm की एमओ, इसे इस गेम के अंदर ऐड कर दिया जाएगा एंड वो भी सिर्फ दो मैप्स में, पहला है इरेंगल एंड दूसरा है विकेंडी। ये गन एक्चुअली कार 98 से काफी सिमिलर रहेगी, बस ये 7.62 का एमओ यूज करेगी एंड एक टाइम पे इसके अंदर आप 5 बुलेट्स लोड कर सकते हो एंड स्कोप वाले अटैचमेंट पे आप इसके ऊपर कैंटेड साइट भी फिट कर सकते हो। ये गन फायरिंग में थोड़ी स्लो रहेगी बट इसका हाई डैमेज इसे कार 98 के ऊपर काफी ज्यादा एडवांटेज देगा। इसका बुलेट स्पीड काफी फास्ट रहेगा एंड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस ये काफी अच्छा डैमेज देगी। एंड अगर हम लोग बात करें इस गन के लुक की, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका बैरल काफी लॉन्ग है एंड इसका एक्सटीरियर काफी कूल लग रहा है। तो गाइज कमेंट करके आप लोग बताना ये गन आप लोगों को कैसी लगी एंड आई थिंक गाइज ये कार 98 से बेहतर गन इस गेम में होने वाली है। और अब हम लोग बढ़ते हैं इस अपडेट के सबसे कूल चीज की तरफ। तो जी हाँ गाइज, इट इज दी मोटर ग्लाइडर। मोटर ग्लाइडर को गेम के अंदर ऐड कर दिया जाएगा, वो भी सिर्फ दो मैप्स में, पहला मैप है इरेंगल एंड दूसरा मैप है मीरामार। तो मोटर ग्लाइडर एक बगी की तरह ही होने वाला है क्योंकि सिर्फ दो लोग इसके ऊपर सवार हो पाएंगे, बट ऑब्वियसली गाइज आप इसे हवा में भी उड़ा पाओगे और वो भी PUBG मोबाइल के क्लासिक मोड गेम प्ले में। यानी कि गाइज इस अपडेट के बाद आप इरेंगल मैप के ऊपर से इस मोटर ग्लाइडर को यूज करके उड़ पाओगे। यहाँ पे जो भी फ्रंट सीट पे बैठेगा वो इस मोटर ग्लाइडर को कंट्रोल करेगा एंड जो पीछे बैठेगा वो यहाँ पे वेपन्स का इस्तेमाल कर पाएगा, जैसे हम लोग बग्घी के ऊपर भी करते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको एक्स्ट्रा कंट्रोल्स दिख जाएंगे जिन्हें यूज करके आप इस मोटर ग्लाइडर को कंट्रोल कर पाओगे, ऊपर नीचे जा पाओगे एंड स्पीड भी बढ़ा पाओगे। स्क्रीन पे आपको एक मोटर ग्लाइडर का फ्यूल बटन दिखेगा जिसे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये काफी तेजी से आगे जाने लगेगा, बट इसका एक ड्रॉबैक है गाइज, ये काफी ज्यादा फ्यूल भी कंज्यूम करेगा, तो इसलिए हमेशा जब भी आप इसके अंदर बैठो तो पहले इसे टॉप अप जरूर कर लेना। तो गाइज अगर आप लोग घर बैठे बैठे पैसे अर्न करना चाहते हो तो आई डोंट थिंक विंडो से बेहतर एप्लीकेशन कोई हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे आपको मिल जाते हैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग गेम्स जिन्हें आप खेल के पैसे तो अर्न कर ही सकते हो। साथ ही साथ अगर आप फ्री फायर, COD मोबाइल या फिर क्लैश रॉयल जैसे गेम्स खेलते हो तो यहाँ पे आपको बहुत सारे टूर्नामेंट्स भी मिल जाते हैं और इनके अंदर पार्टिसिपेट करके आप काफी अच्छी खासी अर्निंग कर पाओगे। और अगर बात करें विंडो स्टोर की, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑफर्स मिलते हैं एंड यहाँ पे आप डायमंड्स वगैरह भी डिस्काउंटेड रेट में ले सकते हो एंड PUBG मोबाइल इंडिया आने के बाद ऑब्वियसली यहाँ पे PUBG के पैक्स भी मिल जाएंगे। यहाँ पे हर हफ्ते नए नए प्रमोशंस आते हैं एंड फिलहाल तो गाइज आप अगर सिर्फ 3 मैचेस खेलते हो तो आप DJ आलोक विन करने का भी मौका पा सकते हो एंड एवरीडे यहाँ पे 10 DJ आलोक का गिव अवे भी होता है। साथ ही साथ आप अपने दोस्तों को रेफर करके यहाँ पे गूगल प्ले के गिफ्ट कार्ड्स भी अर्न कर सकते हो एंड यहाँ पे आपको मिलती है इंस्टेंट विड्रॉवल। तो गाइज विंडो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, इंस्टॉल करिए एंड गेम्स खेल के पैसे कमाइए। सिंस गाइज ये PUBG मोबाइल ग्लोबल की थर्ड एनिवर्सरी होने वाली है, तो इरेंगल मैप के अंदर आपको एक टाइम लिमिटेड मोड मिलेगा जो है एक म्यूजिक थीम मोड, जहाँ पे पूरा का पूरा म्यूजिक पार्क ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पे आपको काफी सारे न्यू फन फीचर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और इस मोड का नाम होने वाला है 100 रिदम्स। मैच के शुरुआत में ही 3 में से एक म्यूजिकल पावर चूज करने का आपको यहाँ पे मौका दिया जाएगा एंड इसके बाद आपके प्लेयर की एक एक्टिव एबिलिटी रहेगी जो आप डायरेक्टली यूज कर पाओगे, बट गेम के अंदर जाने के बाद आप कुछ कैसेट टेप आइटम्स जमा करके इसे लेवल अप भी कर सकते हो एंड इसके बाद आपको 2 एडिशनल पैसिव स्किल्स भी यूज करने का मौका मिल जाएगा। जैसे कि अगर आप लोग पहली एबिलिटी जो है हैकर नाइट, अगर आप इसे चूज करते हो तो आपकी एक्टिव एबिलिटी रहेगी सोनिक स्कैन, जिसे यूज करोगे तो आप एनिमी की लोकेशन डिटेक्ट कर पाओगे एंड अगर आपने कैसेट टेप्स जमा किए हैं तो पैसिव एबिलिटी जो है एनकोर जो एक्टिवेट हो जाएगी एंड जैसे आप एनिमी को किल करोगे आपकी हेल्थ भी रीजनरेट हो जाएगी। अगर आपने गार्डियन चूज किया है तो आपको एक एक्टिव एबिलिटी मिलेगी जिसका नाम है म्यूजिक बैरियर, और अगर आप लोग ये बैरियर प्लेस करके इसके पीछे खड़े हो जाते हो तो एनिमी जो आपके ऊपर फायर कर रहा है उसके गोलियों का डैमेज काफी हद तक डिक्रीज हो जाएगा। और इसके अलावा आपकी अगर एक्टिव एबिलिटी यूज करते हो तो एनिमी को रिलोडिंग करने में भी काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। एंड यहाँ पे थर्ड स्किल होने वाली है सर्वाइवर, और इसकी एक्टिव एबिलिटी होने वाली है गिली सूट। जी हाँ गाइज, इसे आप यूज करोगे तो ऐसे लगेगा कि आपके प्लेयर ने गिली सूट पहन लिया है, बट इतना ही नहीं गाइज, यहाँ पे आपको कुछ स्पेशल स्किल्स भी मिलने वाली है।
स्क्रीन के ऊपर आपको एक बटन भी मिल जाएगा जो आपको नोटिफाई करेगा अगर कोई एनिमी आपकी तरफ अप्रोच करता है तो। एंड साथ ही साथ ये एबिलिटी आपकी एचपी को भी रिजनरेट करेगी। तो गाइज, इन टोटल 3 एबिलिटीज में से आपको कौन सी एबिलिटी सबसे ज्यादा पसंद आई कॉमेंट करके बताना। वैसे मुझे पहली वाली ज्यादा पसंद आई जिसका नाम था हैकर नाइट, क्योंकि वहां पे आप सीधे सीधे एनिमी के लोकेशन स्कैन कर पाओगे आपकी एबिलिटी यूज करके, जिसका नाम है सोनिक स्कैन। अब हम लोग बढ़ते हैं म्यूजिक पार्क की तरफ। तो इरेंगल मैप के ऊपर रैंडमली 3 लोकेशंस पे ये पार्क स्पॉन होगा। आप मैप ओपन करोगे तो इस तरीके से आपको पार्क की लोकेशन पता चल जाएगी। अगर आप लोग इस एनिवर्सरी पार्क में जाते हो तो आपको काफी सारे इंटरैक्टिव फीचर्स मिलेंगे। एंड कमाल की बात यह है कि आप यहाँ पे खुद डीजे भी बन सकते हो, खुद आप गाने बजा सकते हो, आप खुद यहाँ पे डांस कर सकते हो। एंड अगर उसी समय एनिमी आ जाता है तो आप लॉबी में भी जा सकते हो। साथ ही साथ गाइज, यहाँ पे आपको बहुत सारे मिनी गेम्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप टाइम पास कर सकते हो इन मिनी गेम्स को खेलकर। इसके अलावा पिछले साल की तरह जायरो जंप को फिर से यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। तो गाइज, मुझे कमेंट करके जरूर बताना कौन कौन इस अपडेट के बाद इस म्यूजिकल थीम पार्क के अंदर जाने वाला है और एडवांटेज लेने वाला है इस जायरो जंप का। पबजी मोबाइल की 3rd एनिवर्सरी के चलते 9th मार्च के बाद आपको इन गेम काफी सारे आइटम्स कलेक्ट करने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ आप इन मिनी गेम्स को खेल के काफी सारे आइटम्स कलेक्ट कर सकते हो एंड आपके डेली मिशंस कंप्लीट कर सकते हो। इस अपडेट के बाद एग्जिस्टिंग ग्रीन एंड येलो हीट इफेक्ट के साथ साथ एक ब्रांड न्यू कलर ऐड कर दिया जाएगा जो होने वाला है ब्लू कलर। तो आप लोग सेटिंग टैब्स के अंदर अगर जाओगे तो वहां पे स्पेशल इफेक्ट सेटिंग्स के अंदर जाके अपना फेवरेट कलर चूज कर पाओगे। तो फिलहाल आप लोग को यहाँ पे 4 ऑप्शंस देखने मिल जाएंगे। MK14 गन के साउंड में कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं, उसके साउंड इफेक्ट्स इंप्रूव कर दिए गए हैं एंड होपफुली गाइस उसका साउंड ग्लिच भी सॉल्व कर दिया है। लो एंड एंड्रॉइड डिवाइस प्लेयर्स के लिए काफी अच्छी खबर है। आप लोग को इंस्टॉल करने मिलेगा एक स्लिम पैकेज। ये पैकेज उनके लिए अच्छा है जिनके पास फोन के अंदर स्पेस नहीं है या फिर काफी लो एंड डिवाइस पे वो लोग खेलते हैं। आप लोग को गेम इंस्टॉलेशन के टाइम ऑप्शन मिल जाएगा कि आप स्लिम पैकेज को इंस्टॉल करना चाहते हो या फिर HD रिसोर्स पैकेज को। तो गाइस, क्या लगता है, क्या इससे आप लोग को कुछ बेनिफिट होगा? कौन कौन लो एंड डिवाइस पे खेलता है या फिर आपके पास कौन सा मोबाइल फोन है, ये आप मुझे कॉमेंट्स में बता सकते हो। अब से आप लोग जब भी ट्रेनिंग ग्राउंड पे प्रैक्टिस करोगे तो बार बार सेंसिटिविटी सेट करने के लिए सेंसिटिविटी सेक्शन में जाने की जरूरत नहीं है। आपको स्क्रीन के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में एक बटन मिलेगा जिसका नाम है सेंसिटिविटी करेक्शन बटन, जिसे प्रेस करके आप सीधा इसी स्क्रीन पे सेंसिटिविटी ओपन करके इसे इधर ही एडजस्ट कर पाओगे एंड आराम से आप लोग अपनी बेस्ट सेंसिटिविटी यहीं पे चूज कर पाओगे। अगर आपके काफी सारे इन गेम फ्रेंड्स हैं एंड उन्हें मैनेज करने के लिए आपको काफी सारी कंफ्यूजन या फिर परेशानी होती है तो इस अपडेट के बाद फ्रेंड लिस्ट वाले टैब को इन्होंने अपडेट किया है एंड वहाँ पे आपको काफी सारे नए नए ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप कुछ स्पेशल फ्रेंड्स को एक स्पेशल ग्रुप में भी वहाँ पे ऐड करके सेपरेटली रख सकते हो। 7th अप्रैल के बाद वीकेंडी मैप को गेम से निकाल दिया जाएगा। एंड गाइज, अगर आप सोच रहे हो परमानेंटली निकालेंगे तो ऐसा नहीं है, इस मैप को फिलहाल तो गेम से ब्रेक दिया जाएगा एंड पबजी कॉर्पोरेशन वाले इसके ऊपर कुछ काम करेंगे इस मैप को और भी ऑर्गेनाइज एंड बेटर बनाने के लिए। तो गाइज, कमेंट करके बताओ सीजन 18 का जो अपडेट आने वाला है उसके अंदर आने वाले नए नए फीचर्स आप लोगों को कैसे लगे। एंड पिछले वीडियो में कई लोगों ने कमेंट किया था कि सीजन 18 रॉयल पास के भी लीक्स लाओ, तो गाइज 9th मार्च को अपडेट आने दो। मोस्ट प्रोबेबली 9th मार्च के आफ्टरनून इवनिंग या फिर 10 तारीख के सुबह तक सारे के सारे लीक्स मैं आपको दिखा दूंगा। सीजन 18 रॉयल पास में क्या आने वाला है पूरे HD टेक्सचर्स में आपको पता चल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आ गई तो वीडियो को लाइक दे देना, चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब किया ही नहीं है तो क्या कर रहे हो गाइज, चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी एंड कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। एंड मैं मिलता हूँ आपको बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ। सो थैंक यू गाइज एंड टेक केयर।